शांति। आज की कहानी इस प्रकार है। गोलू मोलू आपस में पक्के दोस्त थे। एक बार उनको किसी गांव में जाना पड़ा तो वो दोनों चल दिए। गोलू पतला दुबला था और मोलू गोल मटोल था। जब वो गांव जा रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल से गुजरते समय एक भालू उनके सामने आया। गोलू मोलू भालू को देख करके डर गए। उनका शरीर कांप गया, क्या करें। गोलू तो पतला दुबला था, पेड़ पे चढ़ गया। मोलू ने सोचा, मैं क्या करूं? तो उसको याद आया कि भालू मृत शरीर को नहीं खाता है। वो जल्दी से जमीन पे सो गया और एकदम अपना सांस रोक लिया। जब भालू उधर से गुजरा, उनको सूंघ करके आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद गोलू पेड़ से नीचे उतरा और मोलू को कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैं देख रहा था कि भालू तुमको कान में कुछ कह रहा था, बताओ तुमको क्या कह रहा था। मोलू को तो बहुत गुस्सा आया, बोला, मेरे को मित्र कह कर के मत बुलाओ, तुम मेरा मित्र नहीं है। और भालू मेरे कान में यही कह रहा था कि ये गोलू तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु दोनों की मित्रता टूट गई। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में स्वार्थी मित्र तो बहुत होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो कष्ट के समय हमको काम आवे, ये हम सदैव याद रखें। ओम शांति। Oh,